अगर आप अपने आप को बड़े बड़े बीमारियों से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को स्वस्थ करना पड़ेगा। परिवार के दिमाग को और उनकी मान्यताओं को, उनकी धारणाओं को, उनके बिलीफ सिस्टम को अगर मैं ठीक नहीं कर पाया ना, तो वो आपको घर में कभी ठीक नहीं होने देंगे। अगर परिवार वाले अपने मरीज को अपने स्वस्थ होने में उनको मदद नहीं करेंगे ना, तो आपका मरीज जो है ना संघर्ष करता रहेगा अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा, द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी कोई भी बीमारी ठीक नहीं होने देने में अगर आपके जीवन में सबसे बड़ा कारण अगर कोई बनता है ना, तो वो आपका अपना परिवार। और इस परिवार में आपके माँ बाप, दादा दादी, पत्नी बहनें, भाई नौकर, सब इसके अंदर आ जाते हैं। दोस्तों, मैं 40 साल से बड़ी बड़ी बीमारियों के क्षेत्र में जब मैं काम कर रहा हूं, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बीमारी को ठीक करने में हमेशा क्या आती रही है मालूम है आपको? ये परिवार, आपका अपना परिवार, जो आपको अपनी बीमारियों से बाहर निकलने नहीं देता, बल्कि कई बार आपको अपनी ही बीमारी में और ज्यादा गहराई में धकेल कर आपको ऊपर पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ नहीं आती। दोस्तों, मैं यूं कहता हूं कि इफ यू वांट टू क्यूर ए पेशेंट, फर्स्ट क्यूर द फैमिली फर्स्ट। यानी कि अगर आप अपने आप को बड़े बड़े बीमारियों से बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने परिवार को स्वस्थ करना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने अपनी क्लिनिक पे इस तरह का नियम बनाया हुआ है कि आप अगर अकेले आओगे तो मैं आपसे 100 रुपया चार्ज करूंगा, लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को लेकर आओगे तो मैं फिर आपसे 75 रुपए, यानी कि 75 रुपीज चार्ज करूंगा। पर अगर आप अपनी पूरी फैमिली लेकर आओगे ना, तो मैं आपसे सिर्फ 25 रुपया चार्ज करूंगा। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि मैं परिवार के दिमाग को और उनकी मान्यताओं को, उनकी धारणाओं को, उनके बिलीफ सिस्टम को अगर मैं ठीक नहीं कर पाया ना, तो वो आपको घर में कभी ठीक नहीं होने देंगे। दोस्तों, मैं कई परिवारों में गया हूं और मैं हमेशा एक ही बात क्या देखता हूं कि अगर मैंने तुम्हें फलों पे रख दिया, थोड़ा जूस पे रख दिया, तुम्हें किसी या तुम्हें कम खाना दे दिया, तुम्हें मैं रोटी खाने नहीं दे रहा हूं, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे घर वाले करेंगे। वो तुम्हें कहेंगे, अरे ये क्या कर रहा है, भूखा मर रहा है, अरे तू थोड़ा, अरे रोटी के बिना कैसे काम चलेगा, अरे तू कमजोर हो जाएगा, अरे थोड़ा घी तो खाना ही चाहिए ना, अरे भैया थोड़ी ठंडी है, थोड़ी तो चाय तो पीनी पड़ेगी ना, ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो तुझे ऐसे घास फूस खिला रहा है तुझको, अरे अरे बाहर मत जाना, बाहर ठंडी बहुत है, अभी बाद में थोड़ा गर्मी आ जाए तो थोड़ा एक्सरसाइज करना। यानी कि मरीज बेचारा कुछ भी करना चाहे ना, कोई भी अपनी तरफ से सोच भी लेना कि मैं, डॉक्टर ने मुझे जो दिया है मैं उसका अच्छा पालन करूंगा, उसके परिवार वाले करने नहीं। दोस्तों, इस तरह से मैंने हर परिवार के अंदर ये समस्याओं को मैंने देखा है और मैं बहुत उनसे जूझा हूं, और मुझे हर बार परिवार को डांट लगानी पड़ती है कि भाई आप अपने मरीज को स्वतंत्र छोड़ो। और मरीज देखिए बेचारा पहले ही बीमारी में उसका मन जो है कमजोर हो जाता है, और आप उसको और कमजोर करने की कोशिश करते हो। आप सोचते हो कि मेरा मरीज जो है वो अच्छी चीजें खाता रहे और हम घर में जो जो बनाते रहे वो उसको चखाते जरूर रहे बस किसी भी तरह। और नौकर भी है ना, कई बार कहता है मालिक बड़े दिनों से मैंने आज पनीर की सब्जी बनाई है, मालिक मैंने आज थोड़ा सा ये वाला खाना बनाया, डोसा बनाया है, आज मैंने ये बनाया है, मालिक थोड़ा सा चख लो ना, मालिक एक टुकड़ा तो चख ही लो ना, इसमें इतना भी कौन सा फर्क पड़ जाता है। अरे तो आपको है ना चारों तरफ से है ना आपके मन को कमजोर करने की पूरा परिवार पूरी सुधज उठाता रहता है, मदद बहुत कम परिवार वाले कर पाते होंगे। ऐसी बात नहीं है, अच्छे परिवार में ऐसे भी लोग होंगे, पति पत्नी माँ, जो आपके साथ स्ट्रिक्टनेस बरस कर आपके गलत खान पान से आपको बचाने की कोशिश भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ, लेकिन मैक्सिमम घरों में ये स्थिति है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या मालूम है कि अगर परिवार वाले
अपने मरीज को अपने स्वस्थ होने में उनको मदद नहीं करेंगे ना, तो आपका मरीज जो है ना संघर्ष करता रहेगा अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों, तो इसलिए प्लीज अपने मरीज को जरा मदद करें कि वो जिस आहार कार्यक्रम पे या जिस व्यायाम के कार्यक्रम में या जिस ध्यान के कार्यक्रम में कोई टीचर या उसको कोई चिकित्सक डाल रहा है, तो वो उस रास्ते पे अच्छी तरह चलें, आप उसके सपोर्ट बने, आप उसकी बाधा न बने प्लीज़।